देशभर में शारदीय नवरात्र को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो वही नवरात्र के साथ रामलीला का मंचन भी प्रदेश में शुरू हो गया है। अल्मोड़ा के अलग अलग इलाकों में रामलीला शुरू हो गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। वहीं 160 साल पुरानी रामलीला को देखने के लिए भी लोगों की खासा भीड़ उमड़ रही है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने के बाद भी स्थानीय कलाकार रामलीला का खुद ही मंचन करते हैं, जो इस रामलीला को अल्मोड़ा में सबसे अनोखा बनाता है। देखिए, अल्मोड़ा की रामला ऐतिहासिक रामला है। 1860 से प्रारंभ होकर अनवरत रूप से आज 2023 में हम रामलाएं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक ही नहीं, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी विरासत है। जिस विरासत को मुझे लगता है उदय शंकर जी से लेकर महान कलाकारों ने आगे बढ़ाया, और आज हम उसे गायन शैली में राग बिहाग जय जयवंती दोहा चौपाई देश मालकोस ये सब गाते हैं। और हम लोग कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं हैं, हम सब शौकिया इस रामला को करते हैं, लेकिन इतने मजबूत हमारे कान हो जाते हैं कि जैसे हारमोनियम की धुन बजने लगती है, जैसे तबले की थाप ताल देने लगती है, अपने आप मुंह से शब्द निकलने लगते हैं। ये अल्मोड़ा की सभ्यता संस्कृति और यहाँ की वो एक अपने आप में एक अनूठी जो संस्कृति रही है अल्मोड़ा की, उसका हमें विरासत में मिला है। देखिए, कुमाऊँ में जो रामलीला का एक विशेष महत्व है, और मुझे सौभाग्य है इस बात का, ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। पूरे रागों के साथ, पूरे लय के साथ हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता है, और अपनी संस्कृति जो धरोहर है उसको बचा के रखा है, और खासकर अल्मोड़ा शहर में रामलीला का एक विशेष महत्व। अल्मोड़ा में साल 1860 में पहली बार बद्रेश्वर मंदिर से रामलीला का मंचन शुरू हुआ था। 160 साल के बाद भी अल्मोड़ा की रामलीला ने आज भी अपनी अलग पहचान बरकरार रखी है। तभी तो अल्मोड़ा जिले के लोग भारी तादाद में पहुंचकर इस रामलीला को बड़े उत्साह के साथ देखते हैं। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।